अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्बिट के क्वेश्चंस, यूक्यूज। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 40-year-old लेडी प्रेजेंट्स इन द आउटडोर क्लिनिक विद बायलैटरल प्रोप्टोसिस। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 40 ईयर की ओल्ड लेडी आई हैं और उसकी क्या है कि दोनों आंखें जो है ना उनकी प्रोप्टोसिस हुई हुई है। अब कोई डायग्नोसिस नहीं पूछी उन्होंने, उन्होंने पूछा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रोप्टोसिस की बहुत ज़्यादा कॉजेज़ करवाई थी, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि उसको थायरॉयड ऑफ्थैल्मोपैथी है, उसको इडियोपैथी ऑर्बिटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको कोई सिस्ट हो सकता है, सिस्ट लियन हो सकते हैं, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू डू फॉर दिस पेशेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी प्रोप्टोसिस की। आपने मेनली जो लिखनी है, मेन वर्ड लिखनी है कि इसमें हमने हिस्ट्री लेनी है उसकी कंप्लीट, कि कब ये ऑनसेट हुआ था और पेनफुल है या नहीं है, ये हम ले लेंगे हिस्ट्री उसकी। इसके अलावा ओक्यूलर एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे तो हमने मेन लिख देंगे कि हमने उसमें चेक कर लेना है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पालपिटेशन क्या है, उसकी पल्सेशन है या नहीं है, हमने वी लिक्विडिटी चेक कर लेनी है और चेंज इन साइज वगैरह चेक कर लेंगे। फिर हमने सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करने के बाद हमने जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो लेबोरेटरी कर सकते हैं और इमेजिंग कर सकते हैं। इमेजिंग के अंदर एक्सरे सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने ये लिख देनी है। आगे फोर कॉज प्रोग्रेसिस, तो ये वही हो गया क्वेश्चन नंबर फिर आपका 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक का है ये, इसमें कह रहे हैं कि 19-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद पेनफुल प्रोट्रूजन ऑफ लेफ्ट आई बॉल। ठीक है, 19 साल का लड़का है, उसकी लेफ्ट आई जो है वो प्रोट्रूड की हुई है। देयर इज़ अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ एक्यूट सिनुसाइटिस। अब हुआ ये है कि उसको कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, साइनसिस का, उसके बाद उसकी आइस में क्या प्रॉब्लम हुई है कि प्रोट्रूजन हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन ओक्युलर मोटिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल। अच्छा जी, देयर इज कंजक्टिवल किमोसिस एंड VN इज आल्सो रिड्यूस्ड। फंडस एग्जामिनेशन रिवील्स डिस्क एडिमा। अच्छा, अब सिनुसाइटिस हुआ है और वो इतना सीवियर हो गया कि उसने जाके आइस को इफेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आइस को इफेक्ट किया है तो आई का इन्फेक्शन हमने 2 तरह पढ़ा था, एक पढ़ा था प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस और एक पढ़ा था ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। तो हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस को ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने किया था कि प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस जो होता है, ठीक है, उसमें होती है आईलेट की स्वेलिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईलेट इन्वॉल्व होती है, उनकी स्वेलिंग होती है, जबकि आई की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, ना ही उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है मूव करने की और ना ही कोई और साइन सिम्टम्स नज़र आती है, आई बिल्कुल नॉर्मल होती है, आई बहुत सिर्फ और सिर्फ आईलेट का प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहे थे प्रोट्रूजन, और हाँ थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर जो थी वो प्रोट्रूजन थी, तो उसने पहले ही कह दिया कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने कह दिया कि मोटिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, पेनफुल तो दोनों में होती है, लेकिन कंजक्टिवा का रिएक्शन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर आता है, ठीक है, और VNBC जिसे रिड्यूस होती है जब हमारा जो है ना ओक्यूलर सेलुलाइटिस हो, और डिस्क एडिमा भी तब ही होता है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस मैंने लिखवाई भी थी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी, वो आपने कर लेनी है कि इसमें एक्सप्लोर कैरेटोपैथी हो सकती है, और उसमें काफ़ी सारी थी कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी, IOP बढ़ जाए, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं कि पैनोप्थेल्माइटिस हो जाए, कोई एब्सिस बन जाए, ठीक है, और किडनी नर्व्स की पालसिस वगैरह हो सकती हैं। अगर बहुत सीवियर की बात करें तो मेनिनजाइटिस, ब्रेन एब्सिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और डेथ भी हो सकती है। सो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन। अच्छा जी, उसी क्वेश्चन का जो है ना वो मैनेजमेंट पूछी हुई है, तो मैनेजमेंट हमने कर ली थी काफ़ी अच्छे से, मैंने बताई थी आपको कि आपने उसे पहले सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। जब भी मैनेजमेंट आती है तो मैनेज का मतलब ये कि आपने पेशेंट को कैसे मैनेज किया है, तो आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ट्रीटमेंट लिखनी होती है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 2, a 7-year-old बॉय विद एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस डिवेलप्स वोलिशियस लीड स्वेलिंग एंड पेन अराउंड राइट आई, ठीक है। तो वालिश उसका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शदीद वाली जो है ना उसकी लीड स्वेल हो गई है, और इतना ज़्यादा कि पूरी राइट आई के इर्द गिर्द दर्द हो रही है उसको। द राइट आईलेट आर डिफ्यूजली टेंडर टू टच, ठीक है, और एंड ही इज़ नॉट एबल टू ओपन द आई कम्प्लीटली। अब यहाँ तक अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम पता लगे कि प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस की उन्होंने बताई है सब कुछ कि आई ओपन ही नहीं हो रही। अब लास्ट वाली बात, द आई इज़ सीवियरली कंजेस्टेड एंड देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स इन दिस आई। अगर हमारा सिनेरियो सिर्फ यहाँ तक होता, सिर्फ यहाँ तक होता, फिर ये बनता प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये आखिरी बात कह दी है कि जो हम जब आई को देखा तो वो कंजेस्टेड भी थी और साथ उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी, जब ये बात एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, आई के अंदर का आई बॉल का प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ऑर्बिटल
सेलुलाइटिस है, ठीक है, हमारा डायग्नोसिस ये बन गया। सो हमने डायग्नोसिस कर ली है, मैनेजमेंट बता दी मैंने आपको कि आपने सारा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सारी की सारी लिखनी होती है और हॉस्पिटल इसको एडमिट करना होता है, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, एनर्जेसिस देनी होती हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, ड्रेनेज वगैरह भी करनी होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ 45 ईयर ओल्ड फीमेल इज ऑन हैवी डोज ऑफ ऑरल स्टीरोइड्स फॉर हर एक्यूट किडनी डिजीज़, ठीक है। अब किडनी का प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी डोज ले लिया स्टीरोइड्स की। अब स्टीरोइड्स लेने की वजह से हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी जो है वो डिप्रेस हो जाती है। शी रिपोर्ट्स इन एमरजेंसी विद 3 डेज हिस्ट्री ऑफ पेनफुल स्वेलिंग इन लेफ्ट आई ऑन टेम्पोरल स्क्लेरा फॉलोड बाई सडन सीवियर स्वेलिंग ऑफ द ऑर्बिट। पहले ना थोड़ी सी स्वेलिंग हुई थी, स्वेलिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर जो है ना लिड क्लियर है, मीन आईलेट जो है वो बंद है, वो ओपन भी नहीं हो रही। और इवन आखिर में बात उन्होंने बता ही दी जो हमने पहुंचना था जहाँ पे, कि आई बॉल इन एनी डायरेक्शन पे मूव नहीं हो रही, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन हो गई है मूवमेंट्स की, जब रिस्ट्रिक्शन होती है तो हमें पता है कि ये क्या होगी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया जो आई की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे तो हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ठीक है। तो गिव 3 रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से लिखनी है इस इन्फेक्शन के लिए। तो हमने कह देना है कि हमने इसमें कल्चर करवा लेना है, साथ हमने ESR करवा लेना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसकी हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेनी है और हमने CT स्कैन और एक्सरे करवा लेना है। हाउ विल इट बी ट्रीटेड, वट आर इट्स कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट आपने कर लेनी है सारी सर। यहाँ पे सिर्फ अपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि हॉस्पिटल एडमिशन सिस्टम में एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह सर्जिकल लिख देना है इसके अंदर, मेडिकल सर्जिकल दोनों, और कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ 6-year-old child presents with severe right orbital pain, swelling of eyelid and bulging of eyeballs after an episode of flu. 6 साल का बच्चा है, उसको ना जुकाम हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि उसकी जो है ना ऑर्बिट में पेन होना स्टार्ट हो गई है, मेन वो सिनुसाइटिस वगैरह है। तो मैंने ये बताई थी ना आपको, बात याद भी होगी कि सिनुसाइटिस जो होता है वो मेन कॉज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट 80% केसेस में ये होता है कि अगर सिनुसाइटिस हो तो वो चला जाता है आइस का इन्फेक्शन, वहाँ पर आइस का इन्फेक्शन करवाता है और वहाँ से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाता है। सो उन्होंने कहते हैं कि ऑर्बिट पेन है, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स है, ठीक है। एंड अगर ये बल्जिंग ऑफ आई बॉल ना कहता तो फिर हमारा बनता प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स भी है, मीन प्रोट्रियन भी है। और हमें पता है कि प्रोट्रियन किसके अंदर होती है, अगर इन्फेक्शन हो जाए आई का और प्रोट्रियन भी हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ठीक है, ये आपको कन्फर्म हो गया। तो हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है इसकी, तो बता दिए मैंने आपको। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, अपने ट्रीटमेंट लिख देनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन इल लुकिंग पोली न्यूरिश्ड यंग गर्ल प्रेजेंट्स विद पेनफुल प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस ऑफ लेफ्ट आई फॉर 4 डेज। 4 दिन से उसकी पेनफुल बहुत दर्द करती हुई प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस हुई है आई बॉल की, ठीक है। शी हैड सिनुसाइटिस अ वीक एगो। अच्छा, उसने आप कॉज भी बता दिया। वैसे अगर हम ये बात करें, सपोज करें, अगर हमें डायग्नोसिस पूछे कि पेनफुल प्रोट्रूजन है, ठीक है, लेफ्ट आई की फॉर 4 डेज, मतलब अक्यूट भी है और पेनफुल भी है और प्रोट्रूजन भी है, सिर्फ इसकी बेस पे भी हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। लेकिन अगर उन्होंने मजीद कह दिया कि सिनुसाइटिस भी है, सोर्स ऑफ प्रोप्टोसिस भी है और वो फेब्राइल भी है, हर वी लिक्विडिटी ऑन दिस साइड इज रिड्यूस्ड। अब इसको इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है कि उसकी जो वीएन है वो भी थ्रेटनड हो गई है, क्योंकि हमने कहा था कि जब ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है तो वीएन जो है ना वो ख़राब हो जाती है, उसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है और ये बहुत ही बुरी वाली कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि लीड कर सकती है ब्लाइंडनेस की तरफ। 6/8 है एंड हैज़ एफरेंट पुपुलर डिफेक्ट, और इसका ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से ही जो है ना एफरेंट पुपुलर डिफेक्ट भी आ गया। डायग्नोसिस क्या है? अच्छा, एफरेंट पुपुलर डिफेक्ट क्या होता है कि जब हम लाइट डालते हैं आइज़ में तो पीपल जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उसकी एफरेंट जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो उस लाइट सिग्नल को लेके ही नहीं जाते। जब वो लेके ही नहीं जाएंगे तो पीपल का रिएक्शन भी नहीं आता, मीन वो कंस्ट्रक्ट नहीं करती। अच्छा, डायग्नोसिस हमने कर ली है इसकी, क्या बनी है डायग्नोसिस? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बनी है। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वो है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो कि लीड कर सकती है ब्लाइंडनेस की तरफ। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इसकी, ब्लाइंडनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बाय ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अगेन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट हमने बता दी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अ 20-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ पेनफुल प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस ऑफ राइट आई फॉर 2 डेज। 2 दिन से उसकी जो राइट आई है वो क्या है, पेनफुल प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस है। इससे कंफर्म हो गया है हमें कि प्रोप्टोसिस आ गया, तो ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है।
ही हैज़ गॉट फीवर एंड हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक सिनुसाइटिस. अब सिनुसाइटिस की हिस्ट्री भी आ गई है, ठीक है. हिज वील एक्विटी इज रिड्यूस्ड टू 6/18 एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेटिव आफ्टर एंड पिपलेट डिफेक्ट ऑन द सेम साइड. अब वो कह रहे हैं कि इसमें वीएन भी खराब हो गई है और पिपली रिलेटिव जो है ना आफ्टर पिपली डिफेक्ट भी खराब हो गया है. व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस क्या बनेगा इसके? ऑर्बिटल फ्लोलाइटिस है जिसमें आफ्टर फाइबर्स भी खराब हो गए हैं. नेक्स्ट उन्होंने पूछ लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो बता दी हमने. ऑप्टिक न्यूरोपैथी व्हाट इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट वगैरह वही है. आगे है क्वेश्चन नंबर 7. अ 5-year-old boy ओल्ड चाइल्ड इज ब्रॉट विद फीवर राइट प्रोप्रोसिस एंड स्वेलन आईलिड्स, ठीक है. अब देखिए कितनी छोटी हिस्ट्री है कि एक तो उसको बुखार था, मेन कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन था उसको, ठीक है. फिर उसकी आइस में इफेक्ट कर गया तो प्रोप्रोसिस हो गई है, ठीक है. और फिर स्वेलन आईलिड्स है. अब प्रोप्रोसिस की बेस पे, सिर्फ प्रोप्रोसिस की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है. तो हाउ विल यू मैनेज? मैनेजमेंट हमने कर ली. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या है और 3 क्लिनिकल साइंस बता दें. यहाँ पर इसके तो हमने साइंस बता दें कि आईलिड की स्वेलिंग होगी, कीमोसिस होगी, आईलिड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी और कंजेशन होगी वगैरह वगैरह, और ट्रीटमेंट हमने कर ली. क्वेश्चन नंबर 1 है दोबारा. नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है. अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं वो. अ 30-year-old young lady presents with mild ocular pain and staring and frightened appearance of eyes, ठीक है. अब एक 30-year-old lady आई है, उसमें क्या है कि हल्की सी जो है ना ऑक्यूलर पेन है, ज़्यादा पेन नहीं हो रही, और उसके अलावा staring and frightened appearance है उसकी आइज़ की. देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है उसको, मतलब सिस्टमिक प्रॉब्लम है कोई, पालपिटेशन हो रही है, वेट लॉस हो गया, वील इक्विटी 6/6 है, बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ अभी, वीएन ठीक है. इन बोथ आइज एंड देयर इज कंजेशन ऑफ कंजक्टिवा. अच्छा, अब अपने बात याद रखनी है कि फ्रेटेंड अपेयरेंस ऑफ आइस, ठीक है, उसके हमने कह दिया था कि वो किस में हो रही थी, ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी में हो रही थी, ठीक है. और उसके बाद हमने कहा था कि स्टेरिंग इन फ्रेटेंड लुक को, और लुक को हम साइन को कह रहे थे कोस्चर साइन कह रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा. और इसके अलावा स्वेटिंग पालपिटेशन जो है ना वो शो कर रहे हैं कि इसको जो है ना हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है, ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है. इट मींस ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी है ये. हाउ विल यू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट दिस केस? हमने इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन जो है ना हमने वो करनी है जो कि मैंने आपको प्रोसेस के अंदर बताई थी, सारी की सारी वो करनी है कि हमने पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी है. हिस्ट्री के बाद हमने उसकी एग्जामिनेशन करनी है. एग्जामिनेशन उसकी हम देख लें प्रोसेस कितनी हुई हुई है, उसके अंदर कोई पालपिटेशन है या नहीं, पल्सेटिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इसके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है. और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हमने एक्सरे करवा लेना है इसका, लैब टेस्ट करवा लेंगे, मीन T3 T4 लेवल देख लेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख लेनी है. और मैनेजमेंट कैसे करनी है एट द स्टेज ऑफ द डिजीज़, तो आपने सारी सारी मैनेजमेंट लिख देनी है. क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ ना एंटीथायरॉइड जो ना वो आपने देनी है, ठीक है. हाइपरथायरॉइडिज्म की जो हमने ड्रग्स पड़ी थी, कार्बिमेज़ोल हो गया, प्रोपाथायरोसिल वगैरह, रेडियो एक्टिव आयोडीन, यो थायरॉइड, ठीक है, ये हमने कर लेनी है. फिर थायरॉइड को हम निकाल देंगे. इसके अलावा ओक्यूलर डिस्कम्फर्ट के लिए हमने उसको लोकली कुछ चीज़ें दी थी वो हमने दे देनी है. और ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने आगे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस खास नहीं है इसके अंदर. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. अ 20-year-old female विद ग्रेव्स डिजीज प्रेजेंटेड विद बायलैटरल एक्सियल प्रोप्रोसिस, ठीक है. अब उन्होंने खुद ही कह दिया ग्रेव्स डिजीज है और आइस का है तो ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी है. तो आपने बतानी है ओक्यूलर साइंस कौन कौन से होते हैं. तो मैंने बताया था आपको जब मैं करवा रही थी कि ओक्यूलर साइंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने वो याद रखने हैं, ठीक है. कौन कौन से तेरी रिट्रैक्शन थी अपर आईलिड की, तो डार्लिम्पल साइन था, कोस्चर साइन था, वोन ग्राफिस साइन था जिसे हम लिड डैग कहते हैं, और इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग थी जिसे हम स्टाइलवेक साइन कहते हैं, फिर मोबियस साइन होते हैं जिसमें वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाती है, फिर एक जाली नेक साइन था जिसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाती है आईलिड्स के ऊपर, इसलिए जोफरी साइन था जिसमें क्या था कि पुअर फोरहेड, रिंकिंग बनती है लुकिंग अप, मतलब अगर हम किसी पेशेंट से कहें कि ऊपर देखें तो उसके फोरहेड पे रिंकिंग नहीं बनती, रिंकिंग नहीं होती वो इसकी वजह से, क्योंकि उसकी आंखें इतनी बाहर की तरफ होती हैं कि वो आराम से जो है ना ऊपर की तरफ देख लेता है, मीन उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं अपना जो है ना फोरहेड की ना फोरहेड को उठाऊँ, ठीक है. उसके बाद हमारी है ट्रीटमेंट. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि नेम टू वीएन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन. तो हम बताए थे कौन कौन सी वीएन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन थी. एक तो नर्व का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही थी, ठीक है. और दूसरा ना अगर बात करें कि कौन सा एक्सपायर क्या डाटस था आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ मिडिल एज्ड लेडी रिपोर्ट्स इन आई डिपार्टमेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ हर राइट आई बॉल. इन 10 days ड्यूरेशन शी हैज स्वेलन लीड्स विद इनकम्प्लीट क्लियर ऑफ पाल्पेब्रा फिशर अलॉन्ग विद डिक्रीज इन वीएन, ठीक है. तो मिडिल एज की वुमेन है, ठीक है, और हिस्ट्री क्या है कि आई की जब प्रोट्रूजन हो गई सिर्फ एक तरफ हुई है.
10 दिन ड्यूरेशन के अंदर शी हैज स्वेलन लिप्स, अब उसकी जो आईलेट्स हैं वो भी स्वेलो है विद इनकम्प्लीट क्लियर, और ना ही वो ना जो है ना इसी तरह क्लोज हो पा रही हैं, ठीक है, और सर वीएन भी डिक्रीज हो गई है। तो उन्होंने पूछा है कि राइट डाउन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अब ये देखें आपका ना थोड़ा सा आपको ये वेग सा लग रहा है कि एक तो उसने कह दिया प्रोट्रूजन है, ठीक है, पेनफुल की पेनलेस की हिस्ट्री नहीं दी, सर उसने कह दी कि आईलेट की स्वेलो है, ठीक है, फिर उसने कह दिया कि इनकम्प्लीट क्लियर है, ठीक है, और वीएन भी डिक्रीज हो गई है। अब ना आपको थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि किस तरफ है ये। तो ये बात ये है कि ये तकरीबन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ही है, क्योंकि प्रोट्रूजन है और आईलेट स्वेलो है, तो कन्फर्म हो जाता है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ही है, और उसकी वजह से जो है ना वो वीएन भी ख़राब हो गई है। लेकिन क्योंकि इसने ज़्यादा खास फीचर नहीं दिए, तो उसने पूछ क्या लिया कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही पूछे हैं। सो आपने डी डीज़ बता देने हैं कि ग्रे सेलेनोपैथी हो सकती है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, प्री ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी आपको ध्यान में आते हैं, जो मैंने बताए थे आपको, सब लिख सकते हैं आप इसके अंदर। राइट डाउन इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हैं आपको देंगे, तो हमने वो डायग्नोसिस करनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसे हमने क्लियर एग्जामिनेशन करनी है, उसके अलावा हमने क्या करना है सिस्टमिक हमने इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी है, इसके अलावा लेबोरेटरी करवा लेनी है, इसका एक्सरे सीट स्कैन वगैरह सब कुछ करवा लेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विद एक्सियल प्रोप्रोसिस ऑफ द राइट आई, ऑन एग्जामिनेशन द मोनोग्राफी साइन इज पॉजिटिव एंड देयर इज अपर लिड रिट्रैक्शन ऑन स्ट्रेट गेज, ठीक है। अच्छा जी, मोनोग्राफी साइन क्या था आपको याद होगा कि अगर जो है ना आई बॉल नीचे की तरफ मूव करें तो आईलेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, मतलब अपोजिट मूव करती है वो, बजाय इसके कि वो नीचे मूव करे वो अपोजिट मूव कर, जैसे हम देखते हैं मोनोग्राफी साइन। और सेकंड साइन था आपका कि अगर वो सपोज करें अपर लिड जो है वो डिट्रैक्ट की हुई है, सही है, अपर लिड जो है वो डिट्रैक्ट की हुई है स्ट्रेट गेज की तरफ, तो इसका मतलब ये है, इसे हम कहते थे डाल रिम्पल साइन। और मैंने आपको बताया था कि डाल रिम्पल साइन में क्या जो डिट्रैक्शन होती है उसकी कॉज क्या होती है कि वहाँ पे जो मुलर्स मसल सप्लाई कर रही थी आइज़ को, ठीक है, उनकी जो इनर्वेशन थी सिंपैथेटिक इनर्वेशन थी वो क्या होती है कि वो हो जाती है ज़्यादा, उसकी ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, किसकी वजह से, हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से, तो इसकी वजह से जो है ना वो रिट्रैक्टेड रहती है। अब एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है ऑन स्ट्रेट गेज एक्स्ट्राकुलर, और इसके अलावा ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज में रिस्ट्रिक्टेड है, वी लिक्विड डिसीज बाय 18 इन द अफेक्टेड आई, सो इसकी वीएन भी ख़राब हो गई, मतलब ये बहुत आगे वाला केस हो गया, सीवियर केस हो गया ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी का। तो डायग्नोसिस क्या बना ली, और ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी, और गिव टू अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन से होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, कोई सिस्ट हो सकता है, पीछे कोई ट्यूमर हो सकता है, तो वो आपने कर लेने हैं। अच्छा, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन यू वुड ऑर्डर एंड जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अच्छा, दो बहुत इंपॉर्टेंट की बात मैं अगर करूँ तो सिर्फ और सिर्फ दो, वो ये हैं कि आपने थायरॉयड के लेवल चेक कर लेने हैं, T3, T4, TSH के लेवल चेक कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसलिए करते होते हैं क्योंकि मोस्टली प्रोसेस ये होती है कि थायरॉयड की वजह से जो ना जो लीड के ना प्रोसेस हो जाती है पेनलेस, आपने ये इसका देनी है, इसकी जस्टिफाई करना है इसको। सेकंड हमने करना है सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में कहना है कि सीटी स्कैन में कहना चाहता है कि पीछे जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है, और हमें जो पीछे मैस होता है मतलब जो मसल्स वगैरह होती हैं वो पोस्टीरियरली हमें बिल्कुल आराम से सीटी स्कैन पर नज़र आ जाती हैं, कोई ट्यूमर भी है तो हमें नज़र आ जाता है, इसलिए हमें सीटी स्कैन लाजमी करना होता है। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद पेनलेस प्रोसेस ऑफ स्लो ऑनसेट। अब देखिए कितना छोटा सा स्नैरू है लेकिन बहुत ही इजी है, कि यही तो बातें मैं सिर्फ आनी चाहिए कि एक तो पेनलेस है, प्रोसेस है, स्लो ऑनसेट है। सिर्फ और सिर्फ स्लो ऑनसेट मतलब ये पेनलेस प्रोसेस अगर हो गया किसी पेशेंट के अंदर स्लो ऑनसेट हो, तो ये तीन बातें इनफ हैं थायरॉयड ऑफ्थाल्मोपैथी कहने के लिए, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या बतानी है आपने, थायरॉयड ऑफ्थाल्मोपैथी, एंड इन्वेस्टिगेशन आपने वही करनी है जो नेसेसरी हैं, जो मैं बता दी थी, हमने T3, T4 लेवल चेक कर लेना है, सीटी स्कैन कर लेना है, एक्सरे करवा लेना, बाकी सब कुछ लिख देना आपने इधर। व्हाट आर द सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है इसके अंदर, और एक्सपोयर केराटाइटिस हो सकता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंस विद पेनलेस एक्सियल प्रोसेस ऑफ द राइट आई साइड, ठीक है। 30 ईयर की है क्योंकि हमने कहा था कि इसी एज में आती है ना, 30-40 ईयर्स में, तो पेनलेस एक्सियल प्रोसेस हो गई है, बस कंफर्म ही हो गया कि ये जो है ना हो गया। और ये देखें ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें इसने कह दिया राइट साइड, सिर्फ ए साइड का, अब कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि नहीं जी ग्रेस ऑफ्थाल्मोपैथी तो बायलेटरल था, ऐसे नहीं होता, कई दफ़ा ऐसे होता है कि सिर्फ एक आंख इफेक्ट होती है, दूसरी आंख जो है ना वो बहुत लेट इफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये लिखवाया भी था एमसीक्यूज़ के, जो ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूनिलेटरल एंड बायलेटरल प्रोप्रोसिस,
हर व्हील इक्विटी 6/6 अनएडिट बोथ साइड्स। अब इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, मतलब इस इनिशियल साइड है क्योंकि इनिशियल में ही जो है ना एक आंख इफेक्ट होती है और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। जब दूसरी आंख इन्वॉल्व हो जाती है, मीन बायलेटरल हो जाता है, तो तब जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, मीन वीएन की भी खराबी हो जाती है। देयर इज अपर लिड रिट्रैक्शन एंड लिड लैग। अब ये कंफर्म हो गया, लिड लैग जो है ना ऑन डाउन गेज हो गया, वॉन ग्रेफी साइन भी आ गया इसके अंदर, डार्क डिंपल साइन भी आ गया इसके अंदर। शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग ऑफ सडन ऑनसेट डिप्लोपिया। अच्छा, अभी उसने कंप्लेनिंग नहीं की है डिप्लोपिया की, सडन ऑनसेट नहीं हुई अभी। और इज अ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बताया आप इसकी, तो ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी हो गई है। अब यहाँ पूछ लिया उन्होंने कि सीट स्कैन पे आपको क्या नजर आएगा, तो मैंने आपको लिखवा भी दिया था। तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑर्बिट कैविटी जो होती है वो बहुत बड़ी नजर आती है, उसमें मसल्स नजर आ जाती हैं, कोई ट्यूमर वगैरह होता है वो भी नजर आ जाएगा इस, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह भी अगर वो फील्ड हैं, और मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको कि पीछे कैविटी जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। वट इज़ द काज ऑफ डिप्लोपिया, डिप्लोपिया काज क्या होती है, क्योंकि जब है ना कॉज ये है इसकी डिप्लोपिया की कि जब ये ऑर्बिट एक्सपोज करें, ऑर्बिट पीछे मसल्स हैं, तो मसल सारे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है। वो ख़राब इस तरह होंगे कि उसमें क्या चीज़ें आ गई हैं, उसमें आ गए इन्फ्लामेटरी सेल्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, वो इतने आ गए हैं कि उसने जाके ना मसल सेल्स को ख़राब कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कि अब है ना इनका जो है ना क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया है। तो इनके सब की फाइब्रोसिस अगर हो गई हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये ख़राब हो गए हैं सारे फाइब्रोसिस की वजह से, तो ये क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट शो नहीं करेंगे क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अब इस आई की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, साथ जो है दूसरी आई की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, उसकी वजह से जब एक चीज़ को देखेंगे तो उनकी अलाइनमेंट सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये मूव करेगा, सपोज करें इसकी जो मसल ज़्यादा ख़राब नहीं हुए तो वो इस तरह मूव कर सकता है, लेकिन ये जो है वो आई मूव नहीं करेगी, इधर रहेगी, तो इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, मीन मिसअलाइनमेंट हो जाएगी दोनों आईज की, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो पूछ रही हैं कि हाउ यू डू मैनेज अक्यूट स्टेज ऑफ दिस डिजीज़। तो अक्यूट स्टेज के लिए हमने वही एंटीथायरॉइड ड्रग्स वगैरह दे देनी है, और इसके अलावा हमने जो ना क्लिनिकल सिम्टम्स के लिहाज से ट्रीटमेंट देनी होती है, आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह जो दिए थे हमने वो देनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि 20 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ थायरॉयड इनलार्जमेंट है, और साथ क्या है, एंड कंप्लेंट्स ऑफ बायलेटरल प्रोमनेंस ऑफ आइज़, ठीक है। थायरॉयड इनलार्ज है, साथ उसकी आइज़ को इफेक्ट हो गया, तो कन्फर्म में ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी है। व्हाट आर द लाइकली ओक्यूलर साइंस, साइंस मैंने आपको अच्छे से करवा दिए थे, आपने वो दोबारा अच्छे से पढ़ लेनी है सारे के सारे साइंस। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, अ यंग लेडी प्रेजेंस विद बायलेटरल प्रोमनेंस ऑफ आई नोटिस्ड रिसेंटली बाय द रिलेटिव्स, ठीक है। अब उसकी प्रोमिनेंस आईज हो गई हैं, उसको कुछ फील नहीं हुआ, मीन उसको पेनलेस है, इट्स मीन्स कि किसी और ने किया तो पेनलेस है ये। देर वॉज नो हिस्ट्री ऑफ डिप्लोपिया और ऑक्यूलर रिस्ट्रिक्शन और स्क्विंट, मतलब अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ हल्की सी प्रोमिनेंस हुई है। तो आपने डीडीज बतानी है। अब डीडीज तो हम लिख लेंगे कि भाई डीडीज हमने कोई सिस्ट हो सकता है पीछे, कोई डिपैथिक हो सकता है, ठीक है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई डर्मोइड सिस्ट हो सकता है वगैरह वगैरह, आप सब कुछ लिख देंगे इसके अंदर। सो डर्मोइड सिस्ट तो बच्चों में होता है, लेकिन इसके अलावा आपने लिख दिया ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी लिख दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आल्सो गिव द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगी, तो हमने कर लिया है कि एक तो ये पेनलेस है, इस सिनेरियो से समझ गई है ना, पेनलेस है। दूसरा ये प्रोग्रेसिव हो रही है, मीन ऐसा ऐसा डेवलप हो रही है, उसकी आइज बाहर निकल गई हैं, पेनलेस प्रोग्रेसिव, और थर्ड चीज़ क्या है, प्रोप्रोसिस, ठीक है। पेनलेस हो, प्रोग्रेसिव हो और प्रोप्रोसिस हो, इसका मतलब कन्फर्म है कि यह क्या है, ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी, ठीक है। तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी है। अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि मिस था। अच्छा, इसमें है कि अ 20 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंस विद अ ग्रोसली स्वेलन आईलिड अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड अ पिंपल दैट हिज गर्लफ्रेंड पॉप विद फिंगर नेल क्लिपर्स, ठीक है। उसने ना उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, उसके जो वो पिंपल था उसको वो पॉप कर दिया, ठीक है, ख़राब कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर गया कहाँ पे, आइज में। आइज स्प्रेड करने के बाद उसकी जो आयड हैं वो क्या होंगी, स्वेल हो गई हैं। अब यहाँ समझ आइए कि ये प्रीसेप्टल है अभी तक फिलहाल। अब देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है। सिंस देन हिज आईलिड हैज स्वेलन, तब से उसकी जो है ना आईलिड है वो स्वेलो है, रेडनेस है, माइल्ड वार्मथ है एंड टेंडरनेस टू टच, ठीक है। अब इसमें आप देख लें, सिर्फ और सिर्फ उसने सारी की सारी जो बातें की हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईलिड की हैं, कहीं पे उसने कोई बात जो है ना वो ये नहीं कि आईलिड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हैं या फिर आइस में जो है ना उसकी कंजेशन है, कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है, डायग्नोसिस क्या बनेगा, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। आपके पास्टर्स में गलत लिखा हुआ है इसका आंसर, सो आप इसे करेक्ट कर लें कि ये प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है। बट स्पेसिफिक फाइंडिंग्स वुड यू कंसर्न फॉर डीपर इन्वॉल्वमेंट, अगर हम ये देख लें कि डीपर भी आँख इन्वॉल्व हुई है या फिर नहीं इन्वॉल्व हुई, तो हमने उसकी आइस की मूवमेंट देख लेनी है कि वो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, उसकी आइस में कंजेशन तो नहीं है, उसकी वीएन तो ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें चेक कर लेनी होती हैं ताकि हम ये रूल आउट कर सकें कि उसको आई का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऑर्बिट का, ठीक है। तो
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो पेपर से इतना क्लियर नहीं हुआ था, मैंने लिख के आपको रखा है यहाँ पे। सो 2021 में जो क्वेश्चन आया था ऑर्बिट से, वो भी इसी का ही था, मैं पढ़ती हूँ। अब वो कह रहे हैं कि अ 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ पेनफुल प्रोप्रोसिस। अब पेनफुल प्रोप्रोसिस हो गई है, ठीक है, यहाँ से मैं आइडिया हो गया है कि ये जो है ना ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की तरफ जा रहा है। ऑफ द राइट आई हर वी लिक्विडिटी जो है 6/6 बहुत कम वीन होती है, ठीक है, बहुत कम वीन होगी इसकी ऑन दैट साइड। देर इज द लेटरल डिस्टोपिया। लेटरल डिस्टोपिया का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी जो आई है ना वो साइड लेटरली चली गई है, मतलब पूरा का पूरा जो आई बॉल है, पूरा का पूरा कॉन्टेंट है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। विथ कंजक्टिवल कीमोसिस, साथ कंजक्टिवा का कीमोसिस भी हो गया है। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेस इन ऑल डायरेक्शन, साथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेस भी होगी, मीन बहुत शदीद वाली कॉम्प्लिकेशन लीड कर गई है। और है क्या पेनफुल, तो पेनफुल से हमें ये पता चल गया कि ये ग्रेव्स नहीं है। शी हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक सिनुसाइटिस। अब देखें, अब ये हमारी बात असल आ गई जो कि आनी चाहिए थी कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, किसका, क्रॉनिक सिनुसाइटिस की वजह से। फॉर मैनी ईयर्स एंड फीवर फॉर लास्ट 2 डेज, और 2 दिन से बुखार है, मैं इतना ज़्यादा उसका इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया है आइस में। सो डायग्नोसिस क्या बनी इसकी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी में बताई थी आपको कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें स्टेप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस, हीमोफाइल्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो होती हैं वो इसकी टियोलॉजी होती हैं। इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है आपने, जो हमने बताई थी आपको कि हमने जिम से स्ट्रेनिंग वगैरह करवा लेनी है, इसके अंदर फंडस एग्जामिनेशन करवा लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशन बताई थी आपको सारी की सारी जो है ना आपकी, मतलब ओक्यूलर की थी, ऑर्बिटर की थी, और इसके अलावा जो थी ब्रेन की थी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको सारी सारी लिखवाई थी, आपने वो सारी की सारी इसमें लिख देनी है कि CBC वगैरह और सीट स्कैन, एक्सरे, उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो आपके अब तक जितने भी क्वेश्चन थे पास्ट पर्स के, वो मैंने सारे के सारे ही करवा दिए आपको।